नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले 8th स्टैंडर्ड में से 11th चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक, उसमें से एक्सरसाइज नंबर 11.3 पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 11.1 एंड 11.2 के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं और वह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वह वीडियोस देख सकते हो। ओके, अभी हम फिलहाल देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.3, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है और इसके ऊपर से हमें क्या लिखना है कि ये जो 5 क्वेश्चन दिए हैं इसको ऑब्जर्वेशन करके वह लिखना है। ओके, ये जो ग्राफ दिया है वह ग्राफ परसेंटेज ग्राफ है, इसे हम परसेंटेज ग्राफ, इस ग्राफ को हम कहते हैं। और ये जो परसेंटेज ग्राफ जो है, परसेंटेज बार ग्राफ, इसके अंदर देखिए 100 तक ही काउंटिंग रहती है। किसकी? जो हमारा जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर 100 तक ही काउंटिंग रहती है। ओके, और यहाँ जो दिए हुए नीचे एक्स एक्सिस पे अजिता, यश, रवि एंड सुधा, इनके जो फार्म है, इन फार्म में तूर और ग्राम के कुछ प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन के हिसाब से ये ग्राफ बनाया गया है। ओके, इसके ऊपर से हम अभी क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहली बात, स्टेट द टाइप ऑफ द बार। ये कौन से टाइप का बार है? तो परसेंटेज टाइप का बार है। देखिए 100 तक ही सब बार अगर हो गए तब हम उसे कहते हैं परसेंटेज बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो परसेंटेज बार ग्राफ है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज टूर प्रोडक्शन ऑफ अजिता फार्म। अजिता जो है उसके फार्म में, अजिता कहाँ है यहाँ, इसके फार्म में तूर का जो प्रोडक्शन है वह कितना परसेंटेज है? देखिए अजिता, ये तूर का जो है उसे हमने इस तरह की लाइन मारी है, ये तूर का जो प्रोडक्शन है 60% तक है। तो अजिता के फार्म में तूर का जो प्रोडक्शन है वह 60% तक हुआ है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्राम्स इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि। यश एंड रवि इनके जो फार्म है उसके अंदर ग्राम्स जो है उसका जो कुछ प्रोडक्शन हुआ है उसके ऊपर से हमें क्या करना है, उन दोनों में का कंपेयर करना है। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है कि कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम्स इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो किसके ज्यादा परसेंटेज है, यश या रवि का, वो हमें निकालना है कंपेयर करके। देखिए ये यश है और ये रवि है। यश के यहाँ ग्राम का कितना परसेंटेज है प्रोडक्शन, देखिए ये जो है नीचे का तूर 50% तूर है, तो कितना रह गया 50% ग्राम का 50%। और रवि के यहाँ अगर हमने देखा तो रवि के यहाँ ये जो रवि यहाँ है तूर जो है, ये नीचे वाला जो तूर है, तूर का कितना 70%, तो ग्राम का कितना हो गया 30%। तो किसका ज्यादा है, यश का। यश का ज्यादा है 50% है, बट रवि से कितना ज्यादा है, रवि से 20% ज्यादा है यश का। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ रवि, प्रोडक्शन ऑफ यश 20% मोर बाय रवि, रवि से 20% ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, एकदम इजी है, हूज परसेंटेज ऑफ तूर इज द लीस्ट। किसका, किसके फार्म में तूर का जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, सबसे कम। देखिए सबसे कम ये तूर का, देखिए यहाँ है। ओके, किसका है, सुधा। तो सुधा के फार्म में तूर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे सुधा परसेंटेज में। फिफ्थ और आखिरी सवाल है, स्टेट द परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम्स इन सुधा फार्म। सुधा का जो फार्म है उसके अंदर तूर का परसेंटेज निकालना है और ग्राम दोनों का परसेंटेज निकालना है। अभी जो तूर जो है, तूर का परसेंटेज और ग्राम, तूर का परसेंटेज कितना है, तूर नीचे है वो परसेंटेज है 40%, तूर का जो है 40%, और कौन रह गया, ग्राम का कितना रह गया 100 में से 40, तो यहां आए तो रह गए कितने 60% ग्राम के। तो इस तरह से ये हम परसेंटेज जो ग्राफ है उसके ऊपर दिए हुए कुछ सवाल जो है, कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। एकदम आसान है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा होगा तो फिर से आप ये वीडियोस अपनी रिवाइज कर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज हम देखने वाले 8th स्टैंडर्ड में से जो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
सेकंड नंबर का देखा अभी हमने, अभी थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो कि इस तरह से स्कूल है, फोर्थ स्कूल है, फोर्थ स्कूल है, उस फोर्थ स्कूल में से देखिए क्वेश्चन लिखा है, द फॉलोइंग डाटा इज कलेक्टेड इन अ सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द सम स्कूल। उस स्कूल में से 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है, उनका एक डाटा यहाँ हमारे पास दिया है कि बाबा साइंस स्ट्रीम में जाने वाले बच्चे, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम में कौन बच्चे जाना चाहते हैं 10th के बाद, और कॉमर्स स्ट्रीम में मतलब कॉमर्स साइड में कौन बच्चे जाने वाले हैं 10th के बाद, वो सर्वे है। इस सर्वे को हमें परसेंटेज ग्राफ में बिठाना है, इस सर्वे का हमें परसेंटेज ग्राफ बनाना है, एकदम आसान है। सबसे पहले क्या करने का, ये जो चार्ट है ये हमें दिया है बुक में, 1, 2, 3 रोज दिए हैं, ओके हमें क्या करना है 1, 2, 3 और 3 रो हमें बनाने हैं। वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल का रो, सबसे पहले दोनों की टोटल यहाँ लिखेंगे, 90 प्लस 60 150, 60 प्लस 20 80 25 प्लस 25 50 16 प्लस 24 40 बच्चे है, इन 150 बच्चों में से 90 बच्चे जो है वो साइंस में जाने वाले, सॉरी टोटल बच्चे जो है 10th के बाद साइंस और कॉमर्स में जाने वाले 150 है, बस इनमें से 90 बच्चे जो है वो साइंस में जाने वाले हैं। बट 90 बोले तो कितने परसेंटेज हो गए, 150 में से 90 बोले तो कितने परसेंटेज, वो निकालना है। तो वह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइंस के परसेंटेज निकालेंगे, 90% 90 बोले तो कितने परसेंट बच्चे साइंस में जाने वाले हैं, देखो 90 अपॉन टोटल कितना है 150 लिखने का, और इंटू 100, 90 अपॉन 150 इंटू 100 साइंस में जाने वाले बच्चे, ओके तो 90 इंटू 150 तो ये 0 0 गया, कितना रह गया 90 अपॉन 15 इंटू 100। देखिए यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ मैं, 19 अपॉन 15 इंटू 100 का हो गया अभी 10 होगा, ओके 15 मतलब 15 15 6 19, ओके तो 6 इंटू 10 कितना हुआ 60, तो यहाँ आएगा हमारा आंसर 60%, ओके उसी तरह से यहाँ 60 बच्चे जो है वो सेकंड वो स्कूल जो है उसमें से 60 बच्चे जो है वो साइंस में जाने वाले हैं 80 में से, ओके सो 80 में से 60 तो 60 अपॉन 80 इंटू 100, 60 और 80 कौन से टेबल में आते हैं, देखिए 60 अपॉन 80 इंटू 100, 60 और 80 आते हैं हमारे 20 के टेबल में, ओके 21 जा 20, 23 जा 60 और 24 जा हमारे पास आते हैं 80। 4 और 100 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ आया 3 अपॉन 4 इंटू 100, 4 और 100 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 4 ने 100 को अगर डिवाइड किया तो 25 आएगा, 25 4 जा 100, सो 25 4 जा 100, तो 25 इंटू 3 कितना आया 75, तो यहाँ आएगा हमारा 75% बच्चे जो है वो सेकंड स्कूल में से जाने वाले हैं साइंस को। उसके बाद ये थर्ड नंबर की जो स्कूल है उसमें से 25 बच्चे साइंस को जाने वाले हैं, कितने बच्चों में से 50 बच्चों में से, तो हम करेंगे 25 अपॉन 50 इंटू 100, देखिए 25 अपॉन 50 इंटू 100, 25 वन जा 20 सॉरी ऐसा भी लिख सकते 15 वन जा 15 15 टू जा 100, 25 इंटू 2 50, तो 50% बच्चे जो है वो जाएंगे साइंस को। यहाँ तीसरे कॉलम में अभी फोर्थ स्कूल में से 16 बच्चे जो है वो साइंस को जाने वाले हैं, तो 16 बच्चे जो है वो कितने बच्चों में से, 40 बच्चों में से, तो 40 इंटू 100, 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 10 कितने हो गए 40% स्टूडेंट, तो यहाँ 16 अपॉन 40 इंटू 100 हम लिखेंगे और कितना आंसर आएगा 40%। मेरे पास यहाँ जगह बहुत कम है इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा, आपके पास आपका जो नोटबुक है उसमें से बड़ा टेबल बनाकर इसके अंदर ही सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए साइंस फील्ड में फर्स्ट स्कूल में से 60% जाने वाले बच्चे हैं, सेकंड स्कूल में से 75% जाने वाले हैं, थर्ड स्कूल में से 50% और फोर्थ स्कूल में से 40% बच्चे जाने वाले हैं। हमें क्या निकालना है अभी कि कॉमर्स में जाने वाले बच्चे, अगर 60% साइंस को जाएंगे तो रह गए कितने 100 में से 40% कॉमर्स को, 100 में से 75 गए 25%, 100 में से 50 गए 50%, 100 में से 40 गए 60%, तो इस तरह से हम ये अगर साइंस के परसेंटेज निकाले तो कॉमर्स के परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है, ओके
तो अभी इसी तरह से सेकंड नंबर अपना जो सेकंड पार्ट जो है वो ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस निकालने का, मैंने पहले ही ग्राफ निकाल कर रखा है, एक्स एक्सिस निकालने का, उसके बाद वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो स्कूल है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार स्कूल के नंबर दिए हैं वो लिखेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, 10, 20, 30, 40 इस तरह से नंबर लिखेंगे, और ये सब स्टूडेंट है, ओके। और यहाँ स्केल में लिखेंगे, ऑन वाई एक्सिस पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। अभी दो स्ट्रीम में जाने वाले बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम में जाने वाले बच्चों को इस तरह से हम करेंगे इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस, उनको इस तरह से लाइन मारेंगे, और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स को ब्लैंक छोड़ेंगे, ओके। तो देखिए इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस के लिए फर्स्ट स्कूल है, साइंस में कितने परसेंटेज बच्चे जाने वाले हैं, 60%। तो 60% यहाँ कहाँ आया, फर्स्ट स्कूल में 60% यहाँ तक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरह से हम डायरेक्ट लाइन मारेंगे, ओके। तो नीचे वाले हो गए साइंस को जाने वाले, और ऊपर के बच्चे जो है 40% रह गए वो कॉमर्स को जाएंगे। उसके बाद 75% सेकंड स्कूल में 75% साइंस वाले, साइंस वाले 75% बोले तो ये 70 के थोड़ा सा आगे जाएगा। तो इस तरह से हम इसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा दूसरा स्कूल में का स्टैटिस्टिक। ये 75 बच्चे नीचे वाले जो है वो साइंस को जाएंगे, ऊपर वाले 25% बच्चे कॉमर्स को जाएंगे। उसके बाद थर्ड क्या है, 50% है, थर्ड स्कूल में 50% बच्चे साइंस को जाने वाले, ये 50 यहाँ है, यहाँ से 55% बच्चे साइंस को जाएंगे, और जो रह गए ऊपर के 50% वो कॉमर्स को जाएंगे। उसके बाद 40% है फोर्थ स्कूल में से साइंस को जाने वाले 40%, तो यहाँ 40 यहाँ आएगा हमारा 40%, ये देखो 40% गए साइंस को, और ऊपर वाले जो 60% जाएंगे कॉमर्स को। तो इस तरह से हम ये ग्राफ निकाल सकते हैं, आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप ये वीडियो देखिए, और अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए एकदम फ्री में। थैंक यू।